कैसे आप सब? तो गाइस आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने प्लांट से, क्योंकि मेरे प्लांट में ना काफ़ी टाइम से ना कीड़े लग रहे थे। काफ़ी पत्तों को ना बीच में छेद हो गए थे, तो मैं सोची थी इनको जल्दी से रिपेयर कराऊँ, ठीक कराऊँ, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला था। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना, आज फ्री बैठी थी तो क्यों ना आज प्लांटों को ही ठीक किया जाए। तो मैंने प्लांट वाले को बुला के, ये देखिए प्लांट सारे जिनमें कि कीड़े लग चुके हैं, तो इन सबको तुलसी में देख, पूरी तुलसी मेरी पीली पड़ चुकी थी। और इधर मेरा है मनी प्लांट, इस मनी प्लांट में भी कीड़े लग चुके थे, नीचे की तरफ झुक भी रही थी, इसमें थोड़ा डंडा लगा के खड़ी भी करनी थी। और देखिए कीड़े कैसे लग रहे हैं, पत्ते को खा रहे थे। तो मैंने सोच, ये तुलसी जो कटिंग कर रहे हैं वो भैया, तो बहुत मन दुख रहा था कि इतनी मेहनत से मैंने तुलसी को बड़ा होता हुआ देखा अपनी आँखों से, आज वो कटिंग हो रही थी तो बहुत अजीब सा लग रहा था फीलिंग। लेकिन क्या करें गाइस, बीच बीच में कटिंग करानी भी बहुत ज़रूरी होती है, पौधों की सेवा भी करनी ज़रूरी होती है। तो देखिए कैसे जल्दी दिखा रही मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे पसंद भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने। शॉर्ट वीडियो में दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मैंने जो भी एक्स्ट्रा पत्ते थे जो पीले पड़ रहे थे या दवाई डल वो थी कीड़े लगे हुए थे, उन पत्तों को झाड़ के इनके अंदर ये खाद नाइट्रेट ये सभी पौधे मैंने गमलों में डाल दिए, ताकि अच्छे से इनकी खपतवार वगैरह अच्छे से हो सके। नाइट्रेट मैंने इसलिए डाला गाइस, क्योंकि नाइट्रोजन डालने से ना कैल्शियम और नाइट्रोजन डाल प्रदान करने से पौधों में ना पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, इसलिए ये गमलों में डालना बहुत ज़रूरी था पौधों में ये सारी दवाइयाँ खाद वगैरह, तो ताकि ये कीड़े ना लगे। अब मैं एलोवेरा की में कीड़े लगे हुए थे ना उनकी कटिंग करा रही हूँ, और ये गेंदे का आप देख ही रहे हो कैसे बाहर की तरफ फैला हुआ है, इसकी जड़ें बिल्कुल बाहर तक निकल आई थी गेंदे की फूल की। तो मैंने भी जल्दी से इन भैया को कह के मैं कि इनको थोड़ा सीधा खड़ा कर दे गेंदे के फूलों को, तो डंडा लगा के इसको सीधा खड़ा कर रहे हैं ताकि फैले ना अच्छे से, फैला हुआ ना बिल्कुल गमले से बाहर ही निकल आई थी इसकी जड़ें, तो इस वजह से ना इनकी कटिंग करके जो बाहर की तरफ निकला था उसको काट के अलग कर दिया, और जो बाकी के थे उसमें दवाई डाल के डंडे के साथ रोली बांध के इसको सीधा खड़ा कर दिया गमले को। और अब मेरे मनी प्लांट की जो इसमें कि डंडा लगाना है, भी अभी डंडा था नहीं तो इसलिए मैंने सिर्फ दवाइयाँ डलवाई है इसमें, जब डंडा होगा तब डंडा लगवा के इसको अच्छे से स्ट्रेट करवा दूँगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही रखा है इसको, थोड़ा टाइम के भी वो थी क्योंकि को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था दवाई डालने में और इनकी सेवा पानी में, और मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए थे मैंने इनमें दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं डाला था, मैं खुद ही इनकी कटाई चटाई जो भी करते हैं मैं खुद ही कर रही थी। तो अगर देखिए मेरे सारे पौधे बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हो चुके हैं। अगर मेरा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।